weekends. Lively weekends. Lively weekends. Har ghar mein. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप को और ताकतवर और पावरफुल बना रहे होंगे ताकि आप हर तरह के हालात का, हर तरह के लोगों का बआसानी मुकाबला कर सकें। अब पावरफुल कैसे बनाया जाए, कैसे अपने आप को ताकतवर बनाया जाए? अल्लाह ताला ने हर इंसान को भरपूर ताकतों और सलाहियतों के साथ पैदा किया है, फिर ज़िंदगी गुजारने के उसूल दिए हैं, ज़िंदगी को किस तरह से सक्सेस की तरफ आपने लेकर जाना है, वो तमाम बातें, वो तमाम नॉलेज, वो समझ, वो ज्ञान अल्लाह की बातों में हमें मिलता है और किस तरह से हम जो है अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं, किस तरह से कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किस तरह से अपने नफ्स अमारा को नफ्स मुतमईना कर सकते हैं, ये तमाम उसूल अल्लाह ताला ने दिया है। अब ये चलने वाले के ऊपर है कि वो कितनी ज़्यादा अल्लाह की बातों को पकड़ कर चलता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को लेकर और कहते हैं कि डॉक्टर हमारी बीमारी को दूर कर दो, तो वो डॉक्टर कोई मैजिक या मिरेकल नहीं करता है बल्कि आपको ज्ञान देता है, आपको दवाइयाँ देता है, आपको बताता है कि इस चीज़ से परहेज़ करना है, इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब ये चलने वाले के ऊपर है कि वो डॉक्टर की बातों को कितना पकड़ के चलता है, उसकी दवाइयों का कितना इस्तेमाल करता है तो वो कामयाब हो जाता है और अपनी बीमारी से लड़ लेता है। तो अल्लाह ताला से बेशक हम भरपूर दुआएं करें कि हमारा दुख दूर कर दे, हमारी परेशानी दूर कर दे, हमारे हालात बेहतर कर दे, लेकिन अल्लाह ताला भी कोई मैजिक या मिरेकल नहीं करता है। उसने आपको बातें बताई हैं, उसने आपको अपना ज्ञान दिया है, उसने आपको अपना तरीका दिया है कि तुम ये करोगे ना, ये तरीके पे चलोगे तो तुम अपने दुख को सुख में बदल दोगे, तुम अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल दोगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी बातों को कितना पकड़ कर चलते हैं। तो इंतज़ार में मत बैठिएगा कि अल्लाह आएगा और ऐसे चुटकी बजाते ही आपकी परेशानी दूर कर देगा। आपने उन तरीकों को पकड़ना है, उसकी बातों को पकड़ना है, तो ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। हम छोटी छोटी बातें तो जानते हैं, अल्लाह फरमाता है कि तुम खुश रहो, तुम दुखो नहीं, चिड़ो नहीं, गुस्सा नहीं करो, तुम सब्र और शुक्र की हालत में रहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम इतना ही कर लेना तो अल्लाह हमारे साथ होगा, और जिसके साथ अल्लाह है वो तो है ही सबसे ज़्यादा पावरफुल। ठीक है जी, आ जाते हैं, ये थी थोड़ी सी ज्ञान की बातें शुरू शुरू में जो मैं आपसे करती हूँ। अब आ जाते हैं हमारे आज के शो पे, मज़े की रेसिपीज़ होंगी। हमारी आज की गेस्ट दूसरी मर्तबा आ रही हैं लाइव वीकेंड्स में, जनवरी में ये आई थी, अनीला रिजवान इनका नाम है, और बहुत मज़े की इन्होंने मुझे याद दिलाया बीन सैलड बनाया था। वो बीन सैलड वाकई में बहुत ही जिसे कहते हैं ना हेल्दी और बहुत टेस्टी एक ये सैलड थी जिसको मैंने कई बार घर पे बनाया। इनफैक्ट मैंने अभी उनको मोबाइल पे भी अपनी उसी सैलड की तस्वीर दिखाई, मैंने कहा देखे ये मेरे पास है मौजूद और मैं इसको ट्राई करती रहती हूँ। आइए ज़रा वेलकम करते हैं अनीला को। अस्सलाम वालेकुम अनीला। वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन भाई, लाइव वीकेंड्स में एक बार फिर आप आई हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे आपकी बीन सैलड से बिल्कुल याद आया जी जी, कि वो आपने बनाई है और बहुत मज़े की थी। वो ऐसी थी कि वो फुल मील है ना जी जी बीन्स का। इनफैक्ट अगर आपको भी बनानी हो तो फेसबुक पेज पे जाकर आप बीन्स सैलड चेक कीजिएगा, हमारे लाइवली वीकेंड्स के पेज पे वहाँ पे मौजूद है। क्या चल रहा है अनीला आजकल? बस कुकिंग 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 कुकिंग, बस इसी का ही शौक है। अरे वाह, तो बस। और क्या क्या कुछ नया ट्राई कर रही है? जी जी, आजकल आपको पता है बरसात चल रही है। हाँ, फिर तो बस फरमाइश है घर वालों की, फरमाइशें और फिर नई नई चीज़ें भी ट्राई करते रहते हैं। चलो गुड। अब वो पकोड़े तो आपको पता है खाए जाते हैं, मगर हाँ। उसको नए नए जिद्दत तरीके से हाँ। बनाने की कोशिश की जाती है। मैं भी यही सोच रही, दिमाग चला रही थी, मैंने कहा यार ये जौ का आटा जी, मैं रोटी भी अब थोड़ी सी ना जौ और गंदम को मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत हेल्दी हो जाती है। मैं सोच रही थी ये पकौड़ों में बेसन का इस्तेमाल होता है या जैसे फ्रिटर्स बनाते हैं तो मैदे का इस्तेमाल जी जी जी, तो हम जौ को भी तो मिक्स कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मैं ट्राई जरूर करूंगी। आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई कीजिएगा, हम दोनों ट्राई करेंगे। आज क्या सीख रहे हैं अनीला हम आपसे? आज मैं बना रही हूँ चिकन अफगानी ग्रेवी बना रही हूँ। चिकन अफगानी ग्रेवी जी जी, ठीक है।
और एक वाइट बिरयानी बना रही हूँ ठीक चपली कबाब के साथ अच्छा चपली कबाब हमन सलवा जी 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 ठीक है और इटालियनो की ब्राउनी बना रही हूँ अच्छा इटालियनो का तो ओ ब्राउनी मिक्स है तो आसान हो जी जी बिल्कुल आसान है ठीक है जी ये सिंपल सी ब्राउनी रेसिपी है और मेरे ख्याल से हम ब्रेक के बाद ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि तीन रेसिपी जी 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 हो जाएंगी ज़्यादा हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला वो नहीं है तो वैसे आजकल कुकिंग चल रही है और कुछ चल रहा है नहीं अभी तो कुकिंग चल रही है ना बस थोड़ा अभी आपको पता है ज़्यादा कहीं आना जाना भी नहीं था अब तो थोड़ा सा खुला है सब कुछ अब तो ऐसा खुला है कि पता ही नहीं चल रहा कि कभी बंद कहाँ चला गया कल 14 अगस्त पे जो रश बहुत ज़्यादा वो सीनियर साइड पे इतना कोई रश और सारे के सारे बगैर मास्क चला गया खत्म हो उसका गया रुख कहीं और मुड़ गया नहीं यार लोगों ने यहीं से हटा दिया तो चीज़ है ही नहीं सही 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 कह रही है सही कह सही एटीट्यूड बना मगर एहतियात तो लाजमी है बिल्कुल लाजमी है पर एनीवेज हम एक ब्रेक आ रही है अच्छा जी ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे अपनी पहली रेसिपी है हम इटालियनो की ब्राउनी मिक्स स्टार्ट करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी जी जी रेसिपी की तरफ ठीक है जी आज अनिला हमारे साथ हैं देखते हैं कि आज इनके खाने कितने मज़ेदार बनते हैं एक ब्रेक लेते हैं वेलकम बैक मैं बात कर रही थी ये गुलखान की चाय आज ज़माने के बाद मैं पी रही थी यहाँ की हमारी बड़ी फेमस चाय है ये पठान की चाय गुलखान की तो मैं ये सोच रही थी कि इसकी चाय में फ़र्क होता क्या है कौन सी पत्ती इस्तेमाल करता है ये कौन सा दूध इस्तेमाल करता है ऐसे घर में क्यों नहीं बनती है अच्छा जी आ जाए अनीला इंतज़ार कर रही है आपका और ब्राउनी मिक्स स्टार्ट करूँ यस इटालियनो की हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इटालियनो की तमाम बेकिंग के आपको वैरायटी कंप्लीट मिलेगी कंप्लीट रेंज है और सबसे अच्छी बात यह है इटालियनो ब्रांड की कि ये हर जगह अवेलेबल है ब्रांड वही अच्छा होता है जो आप कहीं भी जाएं किसी भी मार्केट स्टोर में जाएं आपको वो अवेलेबल हो ये ना हो कि कहीं है तो कहीं नहीं है और तो आसान भी बहुत है हाँ और बहुत आसान है फटाफट कई तरह के मिक्सेस हैं इटालियनो के इनके हर्ब्स वगैरह इटालियन हर्ब्स वगैरह भी हैं इनके कैस्टर शुगर आइसिंग शुगर तमाम बेकिंग की रेंज है प्लस आपको पैनकेक्स ब्राउनी मिक्स सिंपल मिक्स करना है जैसे अनीला कर रही है अपना हमने ब्राउनी मिक्स इस्तेमाल किया दो अंडे उसी पे तरकीब लिखी हुई है जी कि आपने ये करना है सिर्फ ये चीज़ें ऐड करनी है और बेक कर देना और आपका और बहुत अच्छा फ्लेवर है जी इसकी चॉकलेट अब ये हाफ कप जो है इसमें मैं ऑयल डालूंगी ठीक है और पानी भी डलेगा अच्छा। मगर मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि आसानी रहे बैटर एकदम मैदा कोको सब कुछ इस मिक्स में आपको मिल जाएगा अच्छा दो अंडे हैं और एक कप ऑयल है और थोड़ा थोड़ा पानी है उस मिक्स में हम ऊपर से वो चॉकलेट भी मेल्ट करके वो रखेंगे जो आपने रखी है नहीं कोको पाउडर है अच्छा, वो मैंने सर्विंग डिश के अंदर थोड़ा सा इसके लिए कुछ सजावट की थी तो वो मैंने इससे अपने कारनामे को छुपा के क्यों रखा है मैंने कहा अपने कारनामे को दिखाइए मैंने कहा क्या कहा मैंने सोचा क्या कहा मैंने मैंने अपने आप से कहा कि छुपा के रखती हूँ बाद में निकालूंगी तो आपके अपने आप ने नहीं कहा कि छुपाना क्यों दिखाओ देखिए आप इसमें ना पानी देख रही हैं आप अभी एक साथ में डाला मैंने अगर डालती है तो फिर ये पता है एकदम से पतली हो जाती है आप थोड़ा थोड़ा करके आगे हुए अब जरा सा ये है ये भी डाल देंगे अवन को प्री हीट करके हमने रखा हुआ है और इस डिश में हम बेक करेंगे जो ऑलरेडी ग्रीस आपने बटर पेपर लगा कर अच्छा बटर पेपर को भी ग्रीस करते हैं नहीं बटर पेपर के नीचे लगाते हैं ना अच्छा, तो वो चिपक जाता है ना ऊपर नहीं लगाते अंदर नहीं लगाते अंदर नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो बटर पेपर है जी 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 ग्रीस बस ये हो गया बटर पेपर मिलता कहाँ है स्टेशनरी की दुकान पे जी अच्छा मैंने भी बड़ा अच्छी ढूंढा है उसको बोले बटर पेपर दे बस अब हम इसे 30 मिनट के लिए बेक करेंगे ठीक है 30 मिनट्स में आपका ब्राउनी तैयार है इंस्टेंट
ये सारे जो इटालियनों के रेंज है ना मिक्सेस की, ब्राउनी की, केक की जी, ये आप रखें अपने घर पे, बस कोई आ जाए फटाफट गरम गरम केक सर्व करें, आइसक्रीम के साथ गरम गरम ब्राउनी सर्व करें। और ब्राउनी तो वैसे भी गरम अच्छी लगती है। हाँ, और इसके साथ आप वो जो है क्या कहते हैं, ब्राउनी गरम और आइसक्रीम ठंडी, आइसक्रीम ठंडी। हाँ देखो अनिला, ये सारा ले लेना। हाँ हाँ बचा, मेरी माँ देख रही होगी, वो कह के यार मैं खुद नहीं छोड़ती ना। नहीं नहीं मैं खुद नहीं छोड़ती, चाहते हैं वो बहुत ज़ाया करते मैं खुद नहीं छोड़ती, मैं अपने घर पे भी नहीं करती ऐसा। हाँ क्योंकि रिस्क है ना इसका, तो मुझे देना है ना हिसाब, क्योंकि पैकेट मैंने खोला है। हाँ बिल्कुल, कोई अपना इसी तरह अपना अपना हिसाब मैं खुद दूंगी ना, इसीलिए मुझे जो है वो चलो ठीक है जी। इसको मैं ओवन में रख देती हूँ। एक कॉलर भी है, निकत। अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसी किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत प्यारी, वेरी लकी। और बहुत अच्छी गेस्ट लेकर आती है हमेशा, बहुत अच्छी गेस्ट के साथ, बहुत अच्छा लग गया देख के आपका शो। हाँ जी, आप कैसी हैं निगत? जी बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में, खुश हूँ बिल्कुल। अच्छा क्या क्या खुशियाँ चल रही है? बस यही अच्छा है, सुबह होती है बस अच्छा दिन गुजारते हैं, और अच्छी सोच के साथ इस तरह बताती है, अच्छा सोचते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। कॉलर से बात करके कोई तंग तो नहीं करता आपको घर में? नहीं नहीं तंग नहीं करता कोई भी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा तंग करने वाले कौन कौन है वैसे? नहीं नहीं वैसे। अरे शर्मा गई इसमें, सामने वाला भी खुद अच्छा हो जाता है, हमें भी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा घर पे कौन कौन होता है निगत आपके? मेरे दो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सास है। आवाज आ रही है यहाँ सेट पर आपको? नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही। अच्छा सेट पर भी इनकी आवाज जरा खोल दें, खुद ही पीछे हट गई मुझे लग रहा है फोन से। अच्छा जी ब्रेक आ गई है, और अब अच्छा ठीक है, दो मिनट है हमारे पास, तो हम अभी नेक्स्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ये हम चिकन ग्रेवी स्टार्ट कर ली थी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये आप क्या क्या कर कर लाई हैं? ये क्या चीज़ मुझे नज़र आ रही है, शाइनी सी? कौन सी? प्याज है? ये प्याज है, मगर ना ये कच्ची रखनी जो नॉर्मल होती है। हाँ। मगर मैं बॉईल करके लाई हूँ। अच्छा ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो सी शेल्स ही। और वो असल में ना कच्ची प्याज की जब ग्रेवी बनाऊँ तो फिर बहुत देर तक मसाले को भूनना पड़ता है, और फिर उसकी स्मेल भी रहती है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। कितनी प्याज है? एक प्याज? ये बस दो प्याज है, दो प्याज दरमियानी है, इसमें लहसुन है, हरी मिर्च है, मिर्चे इतनी लिए हैं तो ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी डलेगा। अच्छा और फिर अदरक और हरा धनिया थोड़ा। अच्छा और प्याज को आपने कट करके? जी जी कट करके बॉईल किया। अच्छा ठीक है स्लाइसेस सही। अब पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है। अफगानी चिकन बना रहे हैं, ये अनिला की अपनी रेसिपी है। हाँ अनिला जी जी जी, कहीं से सीखी या नेट शेट से ही आपने? हाँ सीखी भी है, जो बात है किसी की सीखी। हाँ, है तो नेट पे ही देखी थी। अच्छा फिर थोड़ी सी अपनी इसके अंदर मैंने वो करी कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी, मिलानी है, स्किप करनी है, तो फिर मैं मिलाकर। ये नेट से आसानी हो गई? बहुत बहुत, सीखने को बहुत सब कुछ मिल गया ना, है ना? बहुत और मज़ा भी आता होगा, आप भी बहुत कुकिंग सर्च करती होंगी। हाँ असल में यही बंदा सोचता है कि सालन जो ग्रेवी के साथ होती है वो हमें चाहिए होता है ना रोज। रोटी हम खाते हैं, बरकत भी उसमें बरकत, तो वो हमें ड्राई ड्राई तो हम कुछ खा नहीं सकते, ग्रेवी तो हमें हर चीज़ में चाहिए होती है, तो उसके लिए बहुत देखना पड़ता है कि क्या किसकी बन रही है, कभी दही से, कभी प्याज से, कभी तली हुई प्याज से, कभी बॉयल से, तो ये सब देखना। अब मैं इसको ना मैरिनेट कर रही हूँ। ठीक है इसमें मैंने डाला हाफ टी स्पून सफ़ेद, हाँ सफ़ेद पेपर डाला। ठीक है और ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ये भी हाफ। अच्छा सही, ये डाला। ठीक है फिर ये थोड़ा सा चाट मसाला, सबकी सेम क्वांटिटी है। अच्छा सही, चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अक्सर जो हम मसाले के डब्बे लेते हैं अपने खाना बनाने के लिए रेडीमेड, जो हम नाम तो ले नहीं सकते, तो वो जब हम लेते हैं तो उसमें अक्सर रेसिपी में आप पीछे गौर किएगा, हर जो उनका जो इंग्रेडिएंट्स चल रहा था उसमें चाट मसाला ज़रूर डालते हैं, ज़रूर होता है। अच्छा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आई, कसूरी मेथी है थोड़ी सी। ठीक है सही, बस इसको थोड़ा सा हमने ये इसको इसी से, हाँ बस हल्का सा, कोई नींबू शींबू कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, दही डालेगा ना?
ठीक है, दही डलेगा इसमें, इसको हल्का सफेद मिर्च, सिया मिर्च और नमक है, बहुत आसान सी रेसिपी है। और चाट मसाला, हाँ नमक लगा के इसको रखा यहाँ पे, दही तो नहीं डाल रही है, दही और मैं इसको दही है, दूध है, ये बलाई है दूध वाली, बाद में ये इसको मैं ब्लेंडर में ये सब पीसूंगी ना। अच्छा ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। जी जी, ब्रेक से आने के बाद ये सारा पीसने का काम हम आपके सामने करेंगे ताकि आप अच्छे से देख सकें, अच्छे से सीख सकें ये मज़ेदार सी अफगानी मुर्गी सिखा रही हैं अनीला। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, और हम ब्रेक से वापस आ गए। अनीला अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब ये मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी, हाँ चिकन मैरिनेट की थी, उसका रीकैप भी ज़रा बता दें कि आपने क्या मैंने चिकन के अंदर वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और चाट मसाला, सॉल्ट, कसूरी मेथी, ठीक है इसको लगा के बस रखा है, हाथ के हाथ ही इसको भी मैरिनेट। अच्छा, सामान डालूंगी ना इसमें। ठीक है, अब सही ये बन रही है इसकी ग्रेवी के लिए ना। अब इसमें ये समझे 1 इंच 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, हरा धनिया, और आपकी मर्जी है प्याज, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, मेरे पास टाइम की वजह से मैंने पहले से बॉईल कर लिया। ठीक है, वैसे इससे बड़ी स्मूथ ग्रेवी बनती है। अच्छा सही है, ये आप टिप कह रही है तो कुछ होगा। नहीं नहीं, टिप है ना इसकी, इसलिए। और ये लहसुन के 2-3-4 जवे हैं, और हरी मिर्चें अपने हिसाब से, जितनी आपको मिर्चें चाहिए। सही है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के, पानी देंगी दूंगी आपको, सवाब कमाऊंगी। ये डाल के थोड़ा सा इसमें, ये इसका मसाला, ये भी मैरिनेशन में जी जी ये मैरिनेट करेंगे हम, मगर इसमें ये अभी टाइम नहीं है, घर पे हैं तो आप 1/2 घंटा 1 घंटा इसमें लगा देंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, सही है, हाँ ठीक हो गया, नीचे से प्लग हो गया। ओके अब हो जाएगा, फिर अलावा ये ब्लू लाइट नहीं चलती हूँ प्लग, हाँ हाँ सारी इस चीज़ें ऐसी हैं। पकड़े ना आप, वो हिल रहा है ना, हाँ अरे भाई दूसरे में लगा कर देखते हैं, चले अब देखें। नहीं उसी में ये ऐसे तो नहीं हिल रहा, नीचे ब्लू लाइट पे नहीं आ रही थी। काम तो हो ही जाएगा हमारा, वो खुद ही यहाँ से ऑटो पर हो रहा है। तो चेंज कैसे करेंगे हम, ऐसे अलग घुमा दूँ? अच्छा ये मैं, वेरी टेक्निकल, बहुत टेक्निकल है। सही। अपने सादे वाले वैसे अच्छे होते हैं, बटन वाले टिक टिक ये ऑटो पे जा रहा था बार बार। अब इसी में हम ये जो है दही है, ठीक है, अच्छा ये दही ये इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ कि ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा वो नहीं रहेगी, ये ना ट्रेट्रा पैक वाली क्रीम नहीं है, हाँ। ये जो हमारे फ्रेश जो फ्रेश जो हम बलाई अच्छा। आती है ना, ये वो बलाई है अच्छा, दूध में, ठीक है। अब अगर जिनके घर पर तो वो डाल दें, अब क्या हाँ डाल दें, मगर ये अक्सर तो हम लोग खाने में वही डालते हैं, इसका थोड़ा देसी टेस्ट आएगा, और ये थोड़ा सा इसमें हम यही दूध डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा दूध है, दही है और बताई, बस इसको भी हम ये करके ब्लेंड करके इसी में ही डालेंगे। और अगर हम उसके साथ ले करते, आपने नहीं किया था? हाँ अलग किया मैंने, कहा मिर्चों की वजह से कहीं दही ना फट जाए ना, इस तरह की छोटी छोटी बातें। इसको मिक्स कर दिया, सही टेस्ट बड़े मज़े का आएगा। जी जी बहुत जी जी, ट्राई करी थी मैंने, घर पे बनाई भी थी, बहुत मज़े की बनी थी, जिन्हें बना कर खिलाई उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी, घर वालों को अच्छा। अपने बहन भाइयों को बहुत पसंद आई थी। ये देखें
कि आपको मैरिनेशन में देखें कुछ ज़्यादा लग रहा है ना, कि इसलिए लग रहा है कि इसी से ग्रेवी बनेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। और ये नान वान के साथ या चावलों के साथ? चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये इसके साथ, ये है सही है, अभी हम पैन लेंगे, ये लीजिए। ठीक है, फ्राइंग पैन में करेंगे? फ्राइंग पैन में हम इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, कलर देंगे इसमें और ग्रेवी इसकी अलग बनेंगे। ओ अच्छा, आप सिर्फ चिकन हटा के? जी जी जी। तो अगर घर पे हम मैरिनेट करते हैं ना इसको, हाँ, तो फिर तो आधा घंटा लगे था, मगर अभी तो हाथ के हाथ, आपको पता है। अच्छा सही ना। तो हम ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे, हाँ, और थोड़े से ऑयल में सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन जो है करेंगे थोड़ा। मैं आपको वो टोंग दूँ ताकि आप पीसेस उठा कर? जी जी जी, उसमें डालती हैं। इसमें ये हाफ कप जो है कम अज़ कम ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, अलग अलग। और अगर ये खट्टा डाले तो वो चिकन ज़्यादा वो हो जाएगा? नहीं, वो कलर के हिसाब से हम सिर्फ कलर दे रहे हैं ना, अच्छी जो है वो कलर गोल्डन गोल्डन कलर आएगा, और बाकी थोड़ी सी इसमें बन जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा। अच्छा, इसको उधर कर दीजिए। सही है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ये हरी मिर्चें को कुछ हुआ है क्या मेरे? हाँ, ये एकदम से इसकी वो, हाँ, हाँ जी, आप कॉल कर सकते हैं हमें और हमसे बात कर सकते हैं। अनिला भी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं हमसे। अनिला जी, आप अच्छी अच्छी थॉट्स में रहती हैं जब खाना बनाती हैं, या कभी गुस्से चिड़ में बनाया है खाना? खाना गुस्से में तो नहीं बनाया, थकन में बनाया। आए हाय, जैसे अब थकी हुई हूँ और बनाना ज़रूरी है। आए हाय, तो बोझ समझ कर बना लिया, बस थकन की वजह से, बाकी गुस्से में खाना नहीं बनाया। वो खाना भारी पड़ गया होगा घर वालों को? बस नहीं, उस दिन जब ज़्यादा थक के बनाओ खाना तो खाना भी अच्छा बनता है। आए अल्लाह, कैसे खाना बड़ा अच्छा बना है आज। अच्छा, आज दिल नहीं था ना तो इसलिए वो अच्छा बन गया खाना। अच्छा, बाकी गुस्से में नहीं, गुस्सा फिर कहीं और निकाल देती हूँ, खाने पे नहीं निकालती। हाँ, लेकिन कभी गौर किया है हम खाना बनाते वक्त क्या चला रहे होते हैं अपने अंदर दिमाग? हाँ जी, क्या आती है बहुत सारी सोचें। हाँ, हर तरह का ना आती है, इसके बारे में, उसके बारे में, ये चीज, वो काम। कभी कभी खानों से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं ना, कोई चीज़ हम ऐसी बना रहे होते हैं जो बड़े अच्छे मूड में हमने खाई भी होती है, किसी यादें होती हैं, यादें, तो वो बहुत सारी जगह पे ऐसे कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ जब आप बना रहे हो तो याद आता है पकाते हुए आपको। सही, तो बेस्ट है कि जब भी खाना बनाएं अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस डाल दें, जो मकसद आप चाह रहे हैं ज़िंदगी में, जिस तरह के हालात चाह रहे हैं, जिस तरह के रिश्ते आप चाह रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत, जो सुख चैन चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो थॉट्स भी डाल दें खाना बनाते वक्त के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करें, अल्लाह की ताकतें, अल्लाह का नूर, अल्लाह की बरकतें इस खाने में मौजूद हैं, खाने वाला कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है, हमारे रिश्ते मजबूत हैं, हमारी सेहत एकदम परफेक्ट है, ये खाना हम सबको फ़ायदा पहुंचा रहा है, हमारे आपस में प्यार मोहब्बत को बढ़ा रहा है और हमें ताकतवर कर रहा है। अच्छी अच्छी थॉट्स डाल दें, ये तो मैं एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लोगों की नेचर तब्दील की है सिर्फ खाने के ज़रिए, खाने में वाइब्रेशन के ज़रिए। अभी क्या डाल रहे हैं? सॉल्ट डालूंगी क्योंकि मैरिनेशन में मैंने चिकन में थोड़ा कम डाला था, ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा सा डाल रही हूँ, फिर बाद में अपना टेस्ट करके और डाल दूँगी। अच्छा, इसका जो ऑयल है ये तो नहीं खराब डाल? अगर कम पड़ा, मैंने वैसे कम लिया है, हाँ, अगर मुझे कम लगा ग्रेवी में तो यही थोड़ा सा डाल दूँगी, बाकी सिर्फ चिकन को जो है मुझे कलर देना है अच्छा सा, गोल्डन ब्राउन सा, थोड़ा अच्छा सा रंग, बस ये करके इधर ये ग्रेवी भी हो रही है डालें। अब इसमें देखिए बॉइल करी हुई है ना प्याज, हाँ, तो बहुत ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ना पानी डालना है एक्स्ट्रा, वो स्मेल भी उसकी थोड़ी ख़त्म ख़त्म, सब ख़त्म हो जाएगी, बस अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना है। जी ठीक है जी, यहाँ पर चिकन हो रही है हल्की गोल्डन ब्राउन, हम करेंगे जैसी हो जाएगी तो हम उसको ग्रेवी में शिफ्ट कर देंगे, ग्रेवी अलग कुक हो रही है। सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अगर फिर भी जानना चाहेंगे तो एक ब्रेक के बाद रिकैप भी दे देंगे आपको। फिर हम अपनी थर्ड रेसिपी है और वो क्या है, वाइट बिरयानी जी जी विद चपली कबाब, चपली कबाब, ठीक है, वो हम आपको सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आपको हमारे साथ ही रहना है। अनिला आज हमारे साथ हैं, कैसी लग रही है इनकी कुकिंग ज़रा अपना फीडबैक दीजिए, हमें कॉल कीजिए। ब्रेक जाए
अफगानी ग्रेवी ऑलमोस्ट डन है। अच्छा इसकी आप तो खास शक्ल देख लीजिए कि कितना गोल्डन ब्राउन इसको करना है। मैरिनेशन तो हमने खट्टी मसाले की थी, अब मसाला अलग किया, चिकन को अलग फ्राई किया और मसाला भी अच्छा कुक हो रहा है, हो गया। देखिए इसमें सारा ऑयल ऊपर आ गया, स्मूथ सी बिल्कुल ग्रेवी बन गई है। हाँ, कोई इसके अंदर दाने या कुछ इस तरीके से फटी फटी कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये इसमें डाल देंगे चिकन और 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जो थोड़ी हमारी चिकन में कसर रह गई हो, ठीक है, वो बस हमारी चिकन जो है इसमें टेंडर हो जाएगी। अनिला घर पे हस्बैंड आपकी हेल्प करते हैं खाना बनाने में? हाँ नहीं, उनको चिकन किचन के चिकन कह रही हूँ उनको। आज तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो, ब्रेक में आकर उन्होंने हमें याद दिलाया अवन में रखा है, देख लेना ब्रा जल ना जाए, हम दोनों भूल चुके थे। सही कह रही है, आज उन्होंने बिल्कुल समझे, ऐसा काम किया है। आप भी हैरान हो गई, हैरान हो गई कहेंगी वाह, क्योंकि मुझे इतना नहीं था कि इनका इतना दिमाग रेडी रहेगा खाना बनाने में। बड़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो शो को। अच्छा जी, चिकन को हमने रख दिया है दम पर, वो वहाँ पर बन रही है। अफगानी चिकन ऑलमोस्ट डन है और अब आ जाते हैं अपनी वाइट बिरयानी, बिरयानी के लिए। अच्छा जी, वाइट बिरयानी के लिए अभी क्या क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसके अंदर अच्छा एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेती हूँ। ठीक है फरा जी, अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह किरण, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़े में, खुश, एकदम सुकून में। आप लगती आज बहुत प्यारी प्यारी, मिश्री मिश्री, खूबसूरत ब्लैक में, तो वैसे आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए क्या चल रहा है? जी मैं जॉब करती हूँ लेकिन फिलहाल आपको पता है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से घर पर ही हैं। ठीक है, अब घर पर क्या कर रही हैं? हाउस जॉब। हाँ क्या करती है? कुकिंग करती हूँ कभी कभी। और किरण आप जो है ना पिज्जा बनाना अगर सिखाएं आपके शो में। पिज्जा? हाँ जी। अच्छा पिज्जा तो बहुत बार बनाया है हम, फिर आगे फिर बनाएंगे डोश हो हर चीज उसकी। किरण आपके शो में जागो पाकिस्तान, जागो से मैंने काफी गिफ्ट विन किए थे आपके शो से मैंने। अच्छा मिले आपको गिफ्ट? जी जब आप आया करती थी ना उसके तो मुझे गिफ्ट मिला था आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। ओके यू वेलकम। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी आ जाओ। हाँ ये मैंने 2 चमचे इसमें ऑयल डाला है। ठीक है, और इसमें हम प्याज को, क्योंकि वाइट है तो हम इसके अंदर क्या नाम है इसका, प्याज को कलर नहीं देंगे। ठीक है, ताकि फिर जो वो कलर आ जाएगा तो फिर वाइट बिरयानी तो रहेगी। अच्छा ठीक है, ये 2 प्याज। हाँ 2 प्याज है मीडियम साइज़ की। इसमें ये लहसुन है, अदरक लहसुन नहीं डल रहा है इसमें, पिसा हुआ पेस्ट, और ये लहसुन के जो है वो जावे डाले मैंने इसमें, और ये हरी मिर्चें हैं, ये भी अपने हिसाब से आप बिरयानी के लिए, इसका भी एक हम जो है पेस्ट बनाएंगे। अच्छा हाँ, मगर इतना कि प्याज हमारी थोड़ी नरम हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए बस, फिर ये इसका हाँ एक मसाला बना लेंगे और बाकी इसके आप इसमें करोगे या ब्लेंडर? ब्लेंडर ब्लेंडर दे दूँ, ब्लेंडर लगा देते हैं। ये इधर हो रही है, इधर मैं हाँ एक और जो है इसका मसाला बनेगा, ड्राई मसाला, ड्राई मसाला ठीक बनेगा है जी, वो मैं इधर अलग कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। सही है, वैसे टाइम है क्या? टाइम तो बहुत होगा, टाइम बहुत है। ये लास्ट रेसिपी अभी सुकून सुकून से करें। हाँ। चिल चिल करके ये देखें इसमें ये मसाले, ये खशखाश है, इसकी तो वैसे सबको पता ही होता है कि हाँ। इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये जो जो आजकल लड़कियां नए खाने बना रही हैं मैं उनके लिए बताएं, ये हमेशा कभी भी इसको डायरेक्टली ना डालें। हाँ। इसको ला के पहले पानी में भिगोते हैं, फिर ये हल्की सी पानी सारी मिट्टी बैठ जाती है, फिर इसको हम छाने दे, तो फिर उसके बाद हमने इसको ड्राई भी किया क्योंकि गीली हो जाएगी। ठीक है, तो ये खशखाश है, हम इसमें खशखाश डालेंगे। ठीक है, और बादाम डालेंगे इसमें। ठीक है, और ये है काली मिर्च साबुत। ठीक है, लौंग है, ये जायफल है,
अच्छा, एक जावित्री और ये हरी इलायची। अच्छा सही, इसको हल्का सा हम भून कर इसका हम ड्राई मसाला बनाएंगे। सही, इधर ये बस ये दो मसाले बनेंगे, बाकी सारा सामान हमारा बिरयानी में दम में डलेगा। बस देखिए प्याज जो है नरम हो गई है, बस कलर ना आना चाहिए इस पर। कलर आने से पानी डालकर ब्लेंड करेंगे। हाँ, अगर ये थोड़ा पिसने में मसला करेगी तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, ये पहले आप कर लें। हाँ जी शकीला, कौन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। शकीला बात कर रही है? जी जी बिल्कुल, शकीला बात कर रही हूँ। आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं आपका नाम सुन रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। शकीला ये ना, क्या कहूँ जी, अच्छा आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और मैं देखती हूँ और बिल्कुल चीज़ें भी बनाती हूँ, बहुत सब खुश होते हैं। वेरी गुड, क्या सबसे अच्छा बनाती हैं आप? सभी कुछ बना लेते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा। मेरी फैमिली कहती है कोरमा अच्छा बनाती हूँ। कोरमा अच्छा, खाना अच्छा बनाती हैं या बातें? दोनों दोनों बातें भी अच्छी बनाती। खाने का तो पता नहीं लेकिन बातें बनाना अब जरा बनाइए फोन पे। लाल चने में बातें बनाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, या बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्र। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अच्छा, और इसी तरह रहा करें? बिल्कुल इसी तरह ही रहूंगी। ये ज़बरदस्त ब्लेंडर में हम आज ये सारा पीस रहे हैं मसाला एनिक्स का, और एनिक्स के तमाम जो भी गैजेट्स होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड ईजी टू यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा इनका हाई टेक किस्म का है एनिक्स का, बट बहुत ईजी है। टक टिक टच बटन पे आप इसका इस्तेमाल करें और ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। ख़ास बात तो ब्लेंडर की यही होती है कि उसके ब्लेड्स अच्छे हों, अच्छे से वो पीस दें। ठीक है, अब ये इस जो मसाला हमने प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन लिया था, अब इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छा वो साथ बस ये डाल के अब हम इसको अच्छा सा एक मसाला बना लेंगे। मगर इसके लिए अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा पानी डालेंगे। ठीक है। अच्छा अनिला, आपने इलायची इलायची का इस्तेमाल नहीं किया? ये इलायची ये डाल, अच्छा उसमें है, इसमें है ना सारी, और बाकी फिर जब हम बिरयानी को दम देने के लिए मसाला अच्छा। बनाएंगे तो फिर उसमें डाल। जी तो डिफरेंट तरीका है ना आपका वो वाइट बिरयानी बनाने का। जी मेरा ख्याल से डाल लेते, पानी थोड़ा सा डालेगा, डाल दें ताकि वो अच्छे से हो जाए। ब्रेक आ रही है? ठीक है। अच्छा तो हम ये करेंगे ब्रेक में कि ये भी जो मसाला भुना है इसको भी हम दूसरे वाले उसमें मिक्सर में इसका पाउडर बना लेंगे। ये दोनों चीज़ें हम करके रख लेते हैं। आप लोग बेशक ब्रेक ले लीजिए, जाते जाते इसको देख लीजिए, डिश आउट करते हैं, मैं ज़रा टेस्ट भी करूँगी। हाँ जी ये देखें, ठीक है, और ब्रेक ले लीजिए फिर आते हैं। ओके बाय। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत मज़ेदार ये चिकन बनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आया है, और ये नान के साथ ना या रोटी के साथ, ओए होए होए होए, रेसिपी इज़ वेरी गुड। थैंक यू। हाँ, और ये झटपट चिकन भी बन गई, झटपट भी बन गई और टेस्ट भी अच्छा। नहीं टेस्ट बहुत अच्छा आया है इसका, चेंज आया ना थोड़ा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर है और बहुत आसान था, सिंपल इसकी मैरिनेशन थी, वो ड्राई मसाला आपने डाला जी, फिर वो अलग से पेस्ट बना। और अगर ये चाहें कि इसे और मज़ेदार करने की तो इसमें स्मोक भी दे सकते हैं। नहीं कुछ नहीं दे, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ स्मोक से हर किसी को स्मोक वाला नहीं, सही ट्राई कर लें। हाँ जिसे पसंद है, बहुत मज़ेदार और अच्छी ग्रेवी है। ये भी नहीं कि ड्राई ड्राई है तो भाई इतनी बरकत नहीं होगी, सही खाली चिकन चिकन खा रहे, बहुत मज़ेदार है ये। आई मीन मस्ट ट्राई वाली रेसिपी आ गई। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं। अब ये मैं बिरयानी के लिए ठीक है स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसके लिए हमने ऑयल डाला, अच्छा हाफ कप। अनिला हम इसको ना इधर शिफ्ट करते थे ताकि वो यहाँ के सारे इन्ग्रीडियंट्स के शॉर्ट्स आ जाएँ। ये बंद कर दे। अच्छा ब्राउनी भी हमने निकाल ली, इटालियनों की ब्राउनी मिक्स जो ब्राउनी बनाई थी, देखिए क्या खूबसूरत उसकी शक्ल आई है। इसकी कटिंग करके हम बाकायदा इसकी प्लेटिंग करेंगे बाद में, ठंडी थोड़ा ठंडी हो जाए। अच्छा ये वो पाउडर का पेस्ट है जो आपने लिया था, खशखश लौंग काली गोल मिर्च
और इसमें इलायची छोटी, बादाम और जायफल और जावित्री, बस ये मसाला था। अब ये इसके लिए है ऑयल गरम करके हम ये तेज़पात डालेंगे, दालचीनी है इसमें, सही है, छोटी इलायची है 2 अदद, ठीक है, ज़्यादा मसाले नहीं, बस एक एक थोड़ा थोड़ा, ताकि बिरयानी में ये नहीं नज़र आएगा तो फिर बिरयानी भी नहीं लगती है। बाकी तो सब जो मसाला है वो तो पिस गया सारा, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 1-2 लौंग है और ज़रा सा ज़ीरा, ठीक है। ये जो हमारा हो जाएगा, थोड़ी सी बस खुशबू आएगी इसमें, हाँ। तो हम इसके बाद जो है ये जो हमने प्याज का, हरी मिर्च और लहसुन का जो मसाला, पुदीना डाल, आपने सबसे पहले प्याज लेके थोड़ा सा ऑयल में और साबित लहसुन के जवे थे और हरी मिर्ची जी, उनको थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट किया जी, ब्लेंडर में डाला और अलग से हरी मिर्ची भी डाल दी थी, हरा धनिया, ग्रीन पुदीना, ठीक है, सही ना। इसको फिर हम ये डाल देंगे इसके अंदर, नमक वमक कुछ नहीं डाला, अभी कुछ भी नहीं डाला, अभी हम ये मसाला पहले हल्का सा भूनेंगे, तो फिर हम इसमें नमक डालेंगे और जो थोड़े से मसाले वो भी डालेंगे। वो अफ़गानी चिकन वाकई बहुत मज़ेदार फ्लेवर इसका आया है, क्रीम भी उसमें बहुत थोड़ी सी थी, दही था, क्रीम था और मलाई जो आपने डाली थी, दूध वाली मलाई, वो ना हो तो आप दूसरी वाली क्रीम भी डाल दीजिएगा, और दूध था। अब वो इसके लिए मुझे चपली कबाब चाहिए होंगे फ्राई करने के लिए, ठीक है, ठीक है, वो हम अलग से फ्राई करेंगे जी, वो अलग से फ्राई करके फिर हम दम में लगाएंगे साथ में। और जैसे अगर हम ये वाइट चिकन की बिरयानी बना रहे हो तो हम इस टाइम पे हम या चिकन को मैरिनेट करेंगे उस मसाले में, है ना, ये अगर हम चिकन से बनाना चाहें, हाँ जी जी जी, तो इसी के साथ हम डाल देंगे, ठीक है, इसी के साथ ही वो चिकन डाल देंगे, पकती। अब इसके अंदर ये कि आप घर में भी वो सीख कबाब, चपली कबाब और बोटी, चिकन बोटी, वाइट वाली जो भी कुछ भी बनाकर, ये है ना चपली कबाब हमारे पास, पेशावरी चपली कबाब है और ये है मीट के जी, ये बहुत मज़ेदार है, मनसलवा के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पहले भी बना चुके हैं इनको, तो मैंने ख़ास ये ट्राई किया था कि मैं ज़रा फ्लेवर टेस्ट करूँगी। यूजुअली मनसलवा के चिकन प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू यूज़ हैं, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं जो हम फ्राई करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको वेरिएशंस बताते हैं कि आप कैसे कैसे इस्तेमाल करें, बट नो डाउट मनसलवा के सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी रेंज है, वो बहुत मज़ेदार है। एज़ इट इज़ भी आप डिप्स बना कर उनको फ्राई करें, आप पूरी ये रेंज हमारे पास है, आप और हर जगह अवेलेबल है मनसलवा के, आप जाएँ फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर आपको तमाम रेंज मिलेगी, और मीट के शौकीन जो लोग हैं वो तो चपली कबाब पर एंजॉय करेंगे। मुझे मीट ज़्यादा पसंद, मीट ज़्यादा पसंद है, हाँ नहीं आप जब भी करेंगी ना ये फ्लेवर चखिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है सारी चीज़ों जो है ना। इसके कोफ्ते बहुत अच्छे, मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ मनसलवा के कोफ्ते, आप लोग ज़रूर सालन में यूज़ करें, डिफरेंट स्पेगेटीज़ में यूज़ करें, जिस तरह भी। सीज़र ये सीज़र है वहाँ रखी हुई, नहीं तो छुरी ले ले, है सीज़र तो थी, है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। अच्छी कुकिंग हो रही है आज, तो मुझे एक रेसिपी चाहिए, इसलिए मैंने कॉल की है कि मुझे ना पिज्जा बनाने के लिए चीज की रेसिपी चाहिए। अरे वो कभी क्यों बनाना चाह रही है, चीज खरीद लीजिए ना, कम वो बहुत महंगा पड़ जाता है, घर में बनाए ना, यही होता है कि बच्चों के लिए साफ सुथरा घर में बनाए तो बड़ा महंगा पड़ जाता है। देखिए वो जो तो चीज पिज्जा में होती है ना, वो चीज घर में बनाना मुमकिन नहीं है, आप अगर नेट पे भी उसका प्रोसीजर देखेंगे ना तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इतना लेंथी तो नहीं है, इजी है, लेकिन मैंने कहा एक दफा सामने बनती हुई देखे ना बंदा तो पता चले कि वो सही है या नहीं है। अच्छा, हम एक काम करेंगे, किसी ऐसे को ढूंढेंगे जो इस तरह की चीज बनाए आपके सामने, है ना, ताकि शुक्रिया बहुत बहुत, ठीक है। और मेरा नाम शामिल करना है, आपने मुझे वो पिज्जा पैन की जरूरत भी सख्त है, कुछ नहीं दे रहे हम आज, क्यों वो पिज्जा पैन पड़ा हुआ तो है, वो तो पड़ा हुआ है बस देने के लिए नहीं। अच्छा। वैसे मैं नेक्स्ट वालों का भी शुक्रिया अदा करना अच्छा। चाहूंगी कि वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोगों को गिफ्ट दे देती है ना, वाकई में तो बहुत लोगों को बड़ी सहूलत हो जाती है, हाँ, तो वैसे भी मुझे लगता है हम सरगोधा वाले काफी दूर हैं, तो इस वजह अच्छा। से हमें कोई किसी चीज में शामिल कोई नहीं किया जाता, नहीं हम आपको शामिल करेंगे अपनी दुआओं में, बिल्कुल दुआएं देंगे और दुआ करेंगे कि बहुत जल्द आपके पास पिज्जा पैन आ जाए। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।
ये समझ रही हैं कि कोई मैजिक और मिरेकल होगा और एक दिन ये उठेंगी इनके किचन में पिज्ज़ा पैन होगा। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, घर से बाहर जाना पड़ेगा, स्टोर जाना पड़ेगा, थोड़ी सी जेब हल्की करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करके पिज्ज़ा पैन। हाँ जी, इसमें ये मसाले डालूँगी, पहले नमक डालूँगी। ठीक है, ठीक है, 1.5 डाला और इसमें वाइट पेपर है। ठीक है, ये 1 टीस्पून डालूंगी मगर लेवल करके। अच्छा, ठीक है, और ये दही है। अब ये सारे मसाले हाँ, जा रहे हैं। ये दही है, अच्छी खुशबू आ रही है चटनी कबाब की। थोड़ा सा चूल्हा धीमा कर दें, धीमा कर। अदरक लहसुन नहीं डाला आपने? लहसुन डाला है ना मैंने, साबुत जो लिया। हाँ, साबुत अदरक नहीं, प्याज के साथ। यस यस, अब कुछ तो चेंज होगा ना वाइट बिरयानी के साथ। बहुत मज़े का मसाला लग रहा है इसका भी, मैं बताई इन्होंने चिकन भी बहुत मज़े की बनाई। अब ये मसाला भी जो बनाया था ना, ये भी मैं इसमें डाल रही मसाला, ताकि तो जो खशखाश है उसको भी थोड़ा पकने में टाइम लगता है, बहुत खुश्क होती है ना, थोड़ा पानी लेती है पकने का। डाल दिया ये सब, डाल दिया ये बिल्कुल जो हमारा खास, अब बिल्कुल इसकी मैं ऐसे ज़रा टेढ़ा कीजिएगा, शक्ल दिखाइएगा, ये अगर नज़र आती है। हाँ, ठीक है, थोड़ा डीप है ना, ये कुक होगा। हाँ, ये बस मसाला भुनेगा। सही है, और ये यहाँ पे कबाब फ्राई होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। ठीक है, बॉयल ब्रेक तो ले लें अच्छी सी। मैं ले लूँ ब्रेक। हाँ चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के साथ वापस आते हैं। मुस्कुराहट के साथ जाएंगे, मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। रेसिपीज़ को हमने टेबल पे सजा दिया है। एक तो इटालियनों की, वो चॉकलेट ब्राउनी मिक्स से हमने जो बनाया ब्राउनीज़, शक्ल देखिए परफेक्ट ब्राउनी, इसी तरह से ऊपर से क्रस्ट उसका हल्का सा थोड़ा सा हार्ड, अंदर से चुई गुई सी वो ब्राउनी है, बहुत मज़ेदार ब्राउनी बनी है। एंड सिंपल, बहुत सिंपल। चिकन तो लाजवाब है, जो अफ़गानी चिकन आज अनीला ने बनाई है। अनीला, आपके हाथ में वाकई मज़ा है। हाँ, और जो आप बिरयानी भी बना रही है ना, उसकी भी एक अलग खुशबू आ रही है। मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ, आइए ज़रा। मनसलवा के चपली कबाबों के साथ हम बना रहे हैं, आप बेशक इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सारे हमने मनसलवा के मीट के चपली कबाब इस्तेमाल कर लिए हैं, क्योंकि बिरयानी की भी अच्छी खासी क्वान्टिटी है। अब ये देखा। अच्छा, आपने ऑयल लिया, वो सारे दोनों मसाले, एक पेस्ट था एक ड्राई था, वो भी डाल दिया है। साबित आपने गरम मसाला लिया था, जिसमें तेज़पात, दालचीनी और थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इलायची और ज़ीरा, ज़ीरा था। ठीक है, वो डाल के मसाला डाल दिया था प्याज वाला। हाँ, और दही के साथ उसे भून लिया था। दही था और नमक, नमक और ये वाइट पेपर के साथ, वाइट पेपर। ठीक है, अब ये हमारा मसाला पूरा भून गया, तो अब हम इसमें ये लेमन जूस है थोड़ा सा, क्योंकि बिरयानी में थोड़ी खटास अच्छी लगती है। हाँ, और टमाटर तो डल नहीं रहे, तो है। इसलिए हम थोड़ा सा इसको अच्छा सा खट्टा करने के लिए इसमें थोड़ा लेमन जूस डाल दें। अगर जिसे ना पसंद हो खट्टी, हाँ, तो वो ना डाले। हाँ, वो दही से भी अच्छा ये आएगा। देखिएगा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ड्राई मसाले का असल कमाल है, जो आपने खशखश वाला इस्तेमाल किया था, वो ही बिरयानी का मसाला बना। हाँ, वही खास, वही बिरयानी, वाइट बिरयानी हम बना रहे हैं। और मैंने रेसिपीज भी मंगवाई, एक तो मैं पहले चेक कर लूँगी ना कि सब कंप्लीट हैं। क्या वो बीन सैलेड में आप क्या कह रही थी कि वो काले चने की जगह लिखा थी काली दाल रेसिपी कार्ड में? पता है ऐसी हो जाता है कभी, मिस्टेक्स हमारे रेसिपी। असल में तो रेसिपी कार्ड जो चल रहा होता है, वैसे तो देखने से ज़्यादा बंदा सीखता है। वो रिपीट शो ज़रूर देख लिया करें। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, इसमें बड़े तरीके से रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, ड्राई मसाला भी ना, मेस, नटमेग, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, आलमंड्स, पॉपी सीड्स, खशखश, ये अलग ड्राई मसाला है। फिर अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली और मिंट लीव ऑयल, ये अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स चेक कर रही थी, क्योंकि मैं फिर जब घर पे ट्राई करूँगी तो मुझे भी दिक्कत ना हो। सही, वो नहीं है इसमें क्या अफगानी की? हाँ, अफगानी इसी में थी असल तो। मुझे आगे पीछे देखें, शर्जील अफगानी वाली की रेसिपी भी चाहिए, वो भी लेकर जाऊंगी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम? बस ये हम ये जो मसाला है, हाँ, तो इसमें से मसाला आधा थोड़ा अलग कर लेंगे। हाँ, ताकि हम डबल लेयर लगा तो हम लगा दें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ब्रेक रहती है। सही,
है ना, तो बस पेस्ट कर दूं थोड़ा। हाँ, अगर आप नहीं, मसाला हो चुका है, बस ये हमारे फ्राई हो जाए ना कबाब, इनको भी लेयर्स देंगे। हाँ, ये अंदर ही लगा दूंगी, या तो नहीं होगा तो ऊपर से रख देंगे ना। चले सही। हाँ, जिसने खाना है वो मीट यहाँ से ले, चावल यहाँ से ले। सही, मीट को अलग सजा देंगे। तो ये हम थोड़ा मसाला इसका अलग कर लें ताकि नीचे चावल दे दें। चावल सिंपल बॉयल हुए हुए, बस नमक डाल के, नमक डाल के, ठीक है, ताकि नमक का बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम ये बॉइल्ड चावल डालेंगे। वनीला मसाला सीम्स टू बी वेरी गुड एंड टेस्टी। लेट मी टेस्ट। अब ये डाला। नो, आई विल वेट। ठीक है, मज़ा आता है कुकिंग करते हुए? बहुत। थकती नहीं है कि? थक जाती हूँ। हाँ, थकन हो जाती है। अब ये फ्राई अनियन है, ठीक है, सही, ये इसमें डालेंगे। थोड़ा मसाला नीचे रहने दिया। हाँ, फिर पतीली में आपने चावल डाले, प्याज डाली, अब ये हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना है थोड़ा सा, ठीक है, जो हम दम में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बचाएंगे, थोड़ा अंदर डाल देंगे, बल्कि ये अंदर ही डाल देंगे क्योंकि ऊपर जब स्टीम में लगता है तो वो पुदीना और हरा धनिया जल जाता है, काला हो जाता है। ठीक है ना, ये भी टिप है, ये भी टिप है, ऊपर ज़्यादा स्टीम लगती है ना तो काला हो जाता है हरा धनिया पुदीना। ये मसाला डाल देंगे। ठीक है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं की हूँ। कराची की है? हाँ, बिल्कुल प्योर प्योर, यही बचपन, यही दिल्ली वाली, मेमन, पंजाबी। हाँ, सब कहते हैं वैसे, मुझे देख देख के पता नहीं क्या क्या आइडिया लगाते हैं। नहीं, देखने आपसे पूछ रही हूँ। यहीं की? उर्दू से, यहीं की। ना दिल्ली वाली है, नहीं, ना पंजाबी है, ना सिंधी है, ना मगर सब जो है ना बड़े आइडिया लगाते हैं। उर्दू स्पीकिंग? उर्दू स्पीकिंग। मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सही है, सारी बहस एक तरफ। हाँ, ठीक है, अब ये डाल दिए इसमें। हाँ, लेयर हो जाएगी। और ये बस प्याज ऊपर डाल दी और इसको हम कवर करके आराम से, हमारा तीन रेसिपीज हुई है सुकून से। हाँ, चपली को हम थोड़ा सा और तेज, एक्चुअली ये वाला चूल्हा थोड़ा सा, हाँ, इसको थोड़ा तेज कर दे। अब ये वाला जला देते हैं तेज करने, हम चूल्हे ही शिफ्ट करते रहेंगे। ओके, गैस ने जवाब दे दिया है और गैस को सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा। रिकैप ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। जब तक ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, चपली कबाब जैसे ही कलर अच्छा सा आएगा हम उसको सजावट में ऐसे इस्तेमाल ऊपर से रख देंगे, ऊपर से रखेंगे और बिरयानी में टेस्ट करके उसका फ्लेवर, उसका मसाला आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। वाइट बिरयानी विद चपली कबाब, अज्जा, जायफल आधा चाका चमचा, जावित्री एक इंच का टुकड़ा साबित, काली मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, बादाम 10 से 12 अदद, खशखाश 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, लहसुन 6 से 7 चवे, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, पुदीना 10 से 12 पत्ते, तेल हसबे ज़रूरत, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज़पत्ते 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, नमक हसबे ज़ायका, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया हसबे ज़रूरत, हरी मिर्च हसबे ज़रूरत, उबले चावल 500 ग्राम, चपली कबाब 1 पैकेट, तली प्याज 1/2 कप, तेल हसबे ज़रूरत, देगी शिमला मिर्च हसबे ज़रूरत। तरकीब, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इलायची, काली मिर्च, लौंग, बादाम, दालचीनी और खशखाश को तवे पर हल्का सा भून लें, फिर इन्हें पीस कर पाउडर बना लें। पैन में 2 खाने के चम्मच तेल गरम करके प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं, फिर देगी शिमला मिर्च डालकर भून लें। साथ ही दही, नमक, तेज़पत्ते, जीरा और सफ़ेद मिर्च भी डाल दें। अब पिसा हुआ मसाला भी शामिल कर दें। उसके बाद नींबू का रस डालकर अच्छी तरह भून लें। अब आधा मसाला अलग करके ऊपर से कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और तली हुई प्याज डालें। फिर फ्राई किए हुए चपली कबाब रखकर ऊपर से उबले चावलों की तह लगा दें। फिर इसी तरह बाकी मसाले की तह लगाएं और 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर सर्व करें। चिकन अफगानी ग्रेवी, अज्जा, चिकन 500 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, मेथी 1 खाने का चम्मच, प्याज 3 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1/2 कप, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन 5 से 6 जवे, दही 100 मिलीलीटर, दूध 50 मिलीलीटर, क्रीम 50 मिलीलीटर, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, चिकन पर सफ़ेद मिर्च, काले मिर्च, चाट मसाला, नमक और कसूरी मेथी लगा दें।
फिर प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक पीस कर इसे भी चिकन में मिला लें। अब दही दूध और क्रीम को ब्लेंडर में डालकर मिक्स करें, उसे भी चिकन में मिलाकर एक घंटे के लिए रख दें। अब पैन में तेल गरम करके मसाला लगी चिकन को गोल्डन कर लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके सारा मसाला डालें और 5 से 6 मिनट तक पकाएं। तेल ऊपर आ जाए तो चिकन डालकर 5 मिनट दम पर लगाएं, ऊपर से कोयले का धुआं दें। डिश तैयार है। ब्राउनी, अज्जा पानी 1/4 कप, तेल या मक्खन 1/2 कप, अंडे 2 अदद, ब्राउनी मिक्स 1 पैकेट। तरकीब, अवन को पहले से गर्म कर लें, फिर पैन को मक्खन से ग्रीस करें। अब बोल में ब्राउनी मिक्स शामिल करके अंडे तेल और पानी डालकर ब्लेंड कर लें, फिर इसे पैन में शामिल करके फैला दें। उसके बाद अवन में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 35 मिनट बेक कर लें। आखिर में इसे निकालकर 10 मिनट के लिए ठंडा करें। वाइट बिरयानी विद चपली कबाब, अज्जा जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री 1 इंच का टुकड़ा, साबित काली मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, बादाम 10 से 12 अदद, खशखाश 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, लहसुन 6 से 7 चवे, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, पुदीना 10 से 12 पत्ते, तेल हसबे ज़रूरत, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज पत्ते 2 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, नमक हसबे ज़ायका, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया हसबे ज़रूरत, हरी मिर्च हसबे ज़रूरत, उबले चावल 500 ग्राम, चपली कबाब 1 पैकेट, तली प्याज 1/2 कप, तेल हसबे ज़रूरत, देगी शिमला मिर्च हसबे ज़रूरत। ओए होए, क्या खुशबू है, वाइट बिरयानी तो ऑसम है। अच्छा एक मिनट ना, ज़रा सा इसके साथ भी तो ज़रा टेस्ट करूँ ना। नींबू डाला आपने, अच्छा लगा उसका फ्लेवर। चपली कबाब आप ट्राई करें, मनसलवा के चपली कबाब, आप भी सच्ची सच्ची बताइएगा कैसे। मैं भी खा सकती हूँ ना, बीफ है ना इसलिए। हाँ खाएं भाई, आज का शो तो ज़बरदस्त मस्ट ट्राई वाली रेसिपीज़ हैं ये आपकी, दोनों जो रेसिपीज़ हैं। और ये गुड आइडिया, वाइट बिरयानी को आप इस तरीके से मनसलवा के चपली कबाब के साथ सर्व करें, चिकन में भी बना सकते हैं, है ना फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्ट है। बिरयानी भी बहुत मज़ेदार, अनारदाना तक भी आ रहा है इसके। हाँ सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे आप घर में बनाते हैं। अनिला वेरी गुड, वेरी गुड रेसिपीज। और अनिला आप फिर आइएगा इंशाल्लाह, और अपनी और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आइएगा। आप बुलाएंगी तो मैं जरूर आऊंगी। नहीं, इनका नाम हम नोट कर लेंगे कि इनको दोबारा से आना है। और अनिला आपने कोई मैसेज देना था जाते जाते? जी मुझे मैसेज देना था, UK में मेरी कजन्स हैं। अच्छा, तो मैं उनको जो है हाय करना चाहती हूँ। हाँ क्यों, बात नहीं होती आप? होती है बात, मगर मैंने कहा कि बाजी मैं आपको जो है ना TV पे लाइव कहूँगी। नाम भी ले लो ना अभी क्या। हाँ तो अफशा बाजी, आसमा बाजी, बुशा बाजी, मिकी बाजी, बाजी हैं सारी? सब बाजी हैं। अच्छा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सलाम, और मैं बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को। शो देख रही थी वो? अभी तो टाइमिंग का शायद मसला है ना UK में। इतना प्यार उनको भी होना चाहिए, जागे अपनी खराब। मैंने कह दिया था, वो कह रही थी मैं जरूर देखूंगी। और क्या, नीला आई है शो में। गुड रेसिपीज, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अनिला थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया, और आपका बात करने का अंदाज भी बड़ा स्वीट है। थैंक यू। हस्बैंड भी ये कहते हैं? नहीं कभी नहीं कहा। कहते हैं हाँ। मगर कहते हैं कि थोड़ा और प्यार से बात किया करो। हे, वो ये कहते हैं? भाई साहब इतना प्यार, इतनी मिठास इनके लहजे में, और क्या चाह रहे हैं वो? पता नहीं, अब आप ही पूछे उनसे कि क्या चाह रहे हैं। और वो कितने प्यार से बात करते हैं? नहीं, उनका जो है वो थोड़ा ज्यादा प्यार से बात करते हैं। आपसे भी ज्यादा? हाँ। अरे ये तो बातें पहले होनी चाहिए, अभी तो मजा आया था बातचीत में और शो का एंड हो गया था। ठीक है, बट एनीवेज हमारा शो रात में रिपीट होगा 9 बजे, आप लोग जरूर देखिएगा। बट आपके हस्बैंड का भी बहुत बहुत थैंक यू। जी जी, ब्राउनीज जो अच्छी बनी है वो उनकी वजह से बनी है, वरना तो हम भूल चुके हैं, जल चुकी होगी। खैर एनीवेज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान नई रेसिपीज के साथ। अब कल की कैसी रेसिपीज बनती है कल ही पता चलेगा, तब तक आपने अच्छा चलाना है, अपने अंदर अच्छी सोच रखनी है। अगर अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो अच्छा बीज बोना पड़ेगा, और वो बीज है आपकी अपनी सोच। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
Lively Weekends, Lively Weekends.